फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको वेलकम है। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि टैली में कैसे एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो शुरुआत करने के पहले आपको जरूर बता दें कि हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलता ही रहेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन है वहाँ पे हम बोलेंगे कि टैली में आप कैसे नया कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, टैली में आप कैसे नया कंपनी क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। देखिए, हमारा टैली प्राइम, जो टैली प्राइम है, तो टैली प्राइम अभी ओपन हुआ है। तो ओपन करते समय आपको यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा गेट ऑफ टैली। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, बस राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, कंपनी बोल के एक ऑप्शन आया, तो यहाँ पे जैसे आप टैली प्राइम में क्लिक करोगे तो टैली प्राइम में यहाँ पे एक नया ऑप्शन निकल के आया, क्रिएट कंपनी बोल के एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, देखिए आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कंपनी बोल के एक ऑप्शन आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया, कंपनी क्रिएशन, कहाँ पे टैली ओपन है, उसका इंस्टॉल है मेरा टैली, इसका यहाँ पे पाथ शो करेगा। इसके बाद कंपनी नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम, मेलिंग एड्रेस, ये सारा ही यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, एक कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एड्रेस डालना होगा कंपनी का। देखिए, मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कंट्री सिलेक्ट कर लेना होगा। जो यहाँ पे देखिए रीजन बोल के एक ऑप्शन आया, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कंट्री सिलेक्ट करना होगा। ठीक है जी हाँ, तो हमने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, स्टेट सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा, टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिए, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, और फाइनेंस बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बोल के एक ऑप्शन आया, यानी कि आपका जो कंपनी है ये कौन सी ईयर से ओपन है। सपोज हमारे केस में मान लीजिए 1/4/2020 से हमने ये कंपनी ओपन किया, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/4/2020 कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करूँगा, यहाँ पे बेस ऑफ करेंसी सिंबल रुपीज़, जो इंडियन रुपीज़ है उसका सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फॉर्मल नेम यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो करेंसी सिंबल है इंडियन रुपीज़ वो यहाँ पे शो कर रहा है INR। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये देखिए अभी यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, तो इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करूँगा तो ये देखिए अभी एक्सेप्ट हो रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है, डायलॉग बॉक्स पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद मेंटेनेंस अकाउंट्स, यानी कि कौन सा अकाउंट हमने जो मेंटेन कर रहा हूँ वो यहाँ पे यस कर लेना होगा। इन्वेंटरी डिटेल्स सारे यहाँ पे आपको, आप अगर अकाउंटिंग मेथड पे कंपनी मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या इन्वेंटरी मेथड पे कंपनी मेंटेन करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे को यस यस करके रख दिया। अगर आपके पास GST है तो आप GST का ऑप्शन भी यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर आपके पास
यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ, जीएसटी का पूरा डिटेल्स ओपन हो गया। जैसे हमने यहाँ पे जीएसटी एक्टिव किया तो जीएसटी का जो डायलॉग बॉक्स है जीएसटी डिटेल्स बोल का ऑप्शन ओपन हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा, स्टेट वेस्ट बंगाल आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है वो अगर कंपैरिजन या रेगुलर है तो जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम कौन सी डेट से आप जीएसटी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जीएसटी नंबर आपका अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दीजिए। हमने यहाँ पे अभी डाल दिया, अगर आपका जीएसटी मंथली या क्वार्टरली जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ईओए बिल एप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आप ईओए बिल एप्लीकेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए ईओए बिल। आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव कर लेना होगा। अगर आपके पास केस में टीडीएस है तो आपके पास तो यहाँ पे आप टीडीएस भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको नो ही कर देता हूँ, एक्सेप्ट। देखिए अभी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया, राजन कंपनी बोल के एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो गया, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये देखिए राजन कंपनी बोल के एक कंपनी क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, क्योंकि आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलता ही रहेगा। बेल बटन को ज़रूर दबाना, लाइक करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद।